जो व्यक्ति शांत रहता है, संयम रहता है, वहाँ सिद्धियाँ वास करने लगती हैं। लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। जहाँ व्यक्ति क्रोध करता है, वहाँ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। कलेश चारों तरफ दीवारों पर दिखाई देने लगता है। बच्चों के ऊपर परिवार में कलेश दिखाई देता है। वो कलेश व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, कमजोर बना देता है। यहाँ तक भी वेद कहता है कि वो भूत जौनी तक चला जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, बाबा कहते तुलसीदास जी कि सबसे कठिन योनि जो है वो भूत की है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। भूत दर-दर भटकता है। पहले तो अनुष्ठान होते थे, विद्वान हुआ करते थे, कथाएं, पाठ, विधि विधान, जिससे उनको मुक्ति मिल जाती थी। आजकल विधि विधान बहुत कम हो गए हैं।